स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट अड्डा में। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर HDFC एन्यूटी डिपॉजिट स्कीम की, तो उसके अंदर आपको ब्याज दर बहुत ज़्यादा कम मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक स्मार्ट तरीके से HDFC एन्यूटी डिपॉजिट स्कीम से ही हर महीने 2,762 रुपये की इनकम शुरू करके अगर उस पैसे को किसी दूसरे फंड के अंदर स्मार्ट तरीके से निवेश करते हैं, तो आप अपने लिए करीब यहाँ पर 3,95,00,000 यानी लगभग 4 करोड़ रुपए तक का फंड बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको HDFC एन्यूटी डिपॉजिट स्कीम में सिर्फ एक बार 5 लाख रुपए का निवेश करना है। और दोस्तों जो 5 लाख रुपए आप निवेश करेंगे वो पैसे भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे और उसके बाद आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप उसी अर्निंग से एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो HDFC की एन्यूटी डिपॉजिट स्कीम आपके काफ़ी काम आ सकती है। क्योंकि दोस्तों आजकल लोग ऐसे निवेश ऑप्शन की तलाश में रहते हैं जहाँ पर वो निवेश करके अपने पैसे को भी पूरी तरह से सुरक्षित रख सकें और एक बड़ा फंड बना सकें। तो दोस्तों वो लोग ही एक स्मार्ट तरीके से इस फंड के अंदर निवेश करके अपने लिए एक शानदार फंड तैयार कर सकते हैं। कैसे, आज हम इस वीडियो में इस पूरे प्रोसेस को समझने वाले हैं और एक स्मार्ट प्लान जनरेट करने वाले हैं जिससे आप अपने लिए एक बेहतरीन प्रॉफिट हासिल कर सकें। तो दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले HDFC एन्यूटी डिपॉजिट स्कीम के अंदर 5 लाख रुपये का निवेश करना है। यहाँ पर आपको टोटल जो अर्निंग होगी आपके 5 लाख रुपए पर हर महीने वो करीब 2,762 रुपए की होगी। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो पैसा है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और इन केस अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका जो पैसा है वो 9 महीने को वापस मिल जाएगा और हर महीने आपको एक इनकम भी होती रहेगी। यहाँ पर दोस्तों ये इनकम आपको पूरी ज़िंदगी भर यानी जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको ये इनकम होती रहेगी। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इस HDFC एन्यूटी डिपॉजिट स्कीम से हर महीने जो इनकम आपको हो रही है इसी पैसे को आपको एक म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर SIP के थ्रू निवेश करना है यानी 2,762 रुपये का। तो इससे आप टोटल इसके अंदर सिर्फ 9,94,000 रुपये का निवेश करके ये वही पैसे हैं जो आपको HDFC एन्यूटी डिपॉजिट स्कीम से अर्निंग हो रही है। तो इससे यहाँ पर आप करीब 3,95,00,000 रुपये का फंड बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसे हम लास्ट में एक बार कैलकुलेशन करके समझेंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। सबसे पहले हम बात करें कि आपको जो हर महीने इनकम हो रही है उसे किस फंड के अंदर निवेश करना है। तो यहाँ पर आपको इस पैसे को निवेश करना है केनरा रुबिको इमर्जिंग इक्विटी फंड के अंदर। यहाँ पर इसलिए इसे निवेश करना है क्योंकि इस स्कीम का जो रिटर्न है अगर हम ऑल टाइम की बात करें तो वो काफ़ी शानदार है और अभी तक भी इस स्कीम ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। सिर्फ अगर ऑल टाइम की बात करें तो इसका रिटर्न 21.24% है, जबकि अगर हम सिर्फ पिछले 5 साल की बात करें तब भी इस स्कीम ने 13.94%, पिछले 3 साल की बात करें तो 22.39% और 1 साल की बात करें तब भी करीब 2% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो पैसा निवेश करेंगे उस पर आपको लॉन्ग टाइम में हर महीने एक शानदार रिटर्न मिल सकता है। अब दोस्तों इसके अंदर आपको शुरू करनी होती है SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत, यानी आपको जो भी इनकम हो रही है HDFC एन्यूटी डिपॉजिट स्कीम से यानी 2,762 रुपये की, वही पैसे आपको SIP के थ्रू यहाँ पर निवेश करने हैं। अगर हम स्कीम की थोड़ी बेसिक जानकारी के बारे में बात करें तो इसका NAV का प्राइस यानी नेट एसेट वैल्यू का प्राइस 185 रुपीज़ है, यानी करंट NAV के हिसाब से ही आपको हर महीने ये यूनिट अलॉट की जाएंगी और इसी पर आप डेली बेसिस पर प्रॉफिट या लॉस चेक कर सकते हैं। रेटिंग की बात करें तो 4 है और फंड साइज़ करीब 14,868 करोड़ रुपये है, यानी इतने पैसे लोगों ने इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर निवेश किए हैं। अगर हम मिनिमम की बात करें तो आप 1,000 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं। अगर हम होल्डिंग की बात करें कि यहाँ पर आपका पैसा किन स्टॉकों में निवेश किया गया है, तो दोस्तों टोटल 54 स्टॉक्स हैं जिनके अंदर आपका पैसा निवेश किया गया है। टॉप होल्डिंग की बात करें तो ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस, दोस्तों कुछ इस तरह की टोटल 54 कंपनीज हैं जिनके अंदर आपका पैसा निवेश किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर इस स्कीम के बीटा की, जो कि एक टेक्निकल पैरामीटर होता है और ये रिस्क को रिप्रेजेंट करता है, ये भी कम है 0.94 का। दोस्तों अगर एक से कम बीटा होता है तो स्कीम के अंदर रिस्क कम माना जाता है, लेकिन एक से ज़्यादा अगर बीटा होता है तो स्कीम के अंदर रिस्क ज़्यादा होता है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो यानी इस म्यूचुअल फंड स्कीम के खर्चे की, तो ये भी कम है 0.58% का, यानी कि आप जो भी पैसे निवेश करेंगे हर महीने SIP के थ्रू उसमें से जो एक्सपेंस रेशियो होगा इतने परसेंट पैसे काटने के बाद आपको करंट NAV के हिसाब से यूनिट अलॉट की जाएगी। फंड मैनेजमेंट की बात करें तो श्री दत्ता इस फंड को मैनेज कर रहे हैं 2019 से।
बात की जाए केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड हाउस की, तो इंडिया में रैंक 18 नंबर पर है। कंपनी स्टार्ट हुई थी 19 दिसंबर 1987 को और AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो करीब 47,886 करोड़ रुपए का AUM है, यानी इतने पैसे लोगों ने अलग अलग फंड के अंदर केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड हाउस के साथ निवेश किए हुए हैं। दोस्तों ये तो बात हुई स्कीम की, अब हम दोस्तों सीधे चलते हैं कैलकुलेटर पर और देखते हैं कि कैसे यहाँ पर आपको एक बड़ा फंड बना सकते हैं, यहाँ पर HDFC एन्युटी डिपॉजिट स्कीम से कैसे इनकम आप शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के अंदर यहाँ पर निवेश करना है टोटल 5 लाख रुपए का। इससे हर महीने जो आपको इनकम होगी वो होगी 2,762 रुपए की। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल इसके अंदर 4,91,159 रुपये का आपका निवेश होगा और यहाँ पर 1.8% का GST जाएगा, यानी कि इससे आपको हर महीने एक इनकम शुरू हो जाएगी 2,762 रुपये की। और इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो पैसे हैं 2,762 रुपये, इसी पैसे को आपको SIP के थ्रू निवेश करना है। तो दोस्तों ये है एक SIP कैलकुलेटर, यहाँ पर अगर आप 2,762 रुपये यानी कि जो HDFC एन्युटी डिपॉजिट स्कीम से अर्निंग हो रही है उसी पैसे को अगर आप यहाँ पर निवेश करते हैं, स्कीम का रिटर्न अगर हम ऑल टाइम की बात करें तो वो करीब 21% का है। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में स्कीम अगर आपको सिर्फ 18% एनुअली का भी रिटर्न देती है और इस पैसे को अगर आप यहाँ पर निवेश करते हैं 3 साल के लिए, तो इसमें आप टोटल इसके अंदर वही पैसे निवेश करेंगे जो आपको अर्निंग हो रही है 99,432 रुपये। 3 साल में आपको इस पर एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 33,103 रुपये का होगा, यानी कि टोटल अगर हम बात करें 3 साल की तो आपके पास करीब 1,32,535 रुपये का एक बड़ा फंड बन जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर आप यहां पर इस पैसे को निवेश करते हैं 6 साल के लिए इस SIP को कंटिन्यू, तो यहां पर आप टोटल इसके अंदर 1,98,864 रुपये का निवेश करेंगे। ये वही पैसे हैं जो आपको अर्निंग हो रही है HDFC एन्युटी डिपॉजिट स्कीम से, इस पर एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 1,60,191 रुपये का, यानी कि टोटल 6 साल के बाद आपके पास करीब 3,59,055 रुपये होंगे। दोस्तों अगर आप यहां पर 9 साल तक इस SIP को कंटिन्यू करते हैं तो 2,98,296 रुपये का आप निवेश करेंगे, इस पर जो एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा वो करीब 4,47,915 रुपये का होगा, यानी कि टोटल अगर हम बात करें 9 साल की तो आपके पास करीब 7,46,211 रुपये होंगे। दोस्तों यहां पर अगर आप इस पैसे को निवेश करते हैं 12 साल के लिए तो टोटल आप इसके अंदर 3,97,728 रुपये का निवेश करेंगे, इसमें जो रिटर्न मिलेगा वो करीब 10,10,185 रुपये का होगा, 12 साल के बाद आपके पास करीब 14,07,913 रुपये होंगे। दोस्तों अगर आप इस SIP को कंटिन्यू करते हैं 15 साल के लिए तो टोटल आप इसके अंदर 4,97,160 रुपये का निवेश करेंगे, इसमें जो रिटर्न मिलेगा वो 20,41,695 रुपये का होगा, यानी कि 15 साल के बाद आपके पास करीब 25,38,855 रुपये होंगे। दोस्तों इसी तरह अगर आप यहाँ पर 20 साल तक इस SIP को कंटिन्यू करते हैं तो आपको यहाँ पर एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 58,09,832 रुपये का होगा, टोटल SIP के थ्रू आप इसके अंदर 6,62,880 रुपये का निवेश करेंगे, यानी कि टोटल आपके पास अगर हम बात करें 20 साल की तो 64,72,712 रुपये का एक बड़ा फंड बन जाएगा। दोस्तों अगर 25 साल की बात की जाए तो आप टोटल इसके अंदर 8,26,600 रुपये का निवेश करेंगे, इसमें जो एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा वो करीब 1,62,55,388 रुपये का होगा, यानी कि टोटल 25 साल के बाद आपके पास करीब 1,60,83,988 रुपये होंगे। दोस्तों अगर आप यहां पर 30 साल तक इस SIP को कंटिन्यू करते हैं तो टोटल आप इसके अंदर 9,94,320 रुपये का निवेश करेंगे, इस पर जो एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा वो करीब 3,85,72,129 रुपये का रिटर्न मिलेगा, यानी कि टोटल 30 साल के बाद आपके पास करीब 3,95,66,449 रुपये होंगे। तो दोस्तों ये स्मार्ट प्लान उन लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा जो एक बार पैसे निवेश करके उस पर हर महीने एक इनकम शुरू करके उस पैसे को सुरक्षित रखकर एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आपके जो 5 लाख हैं वो भी सुरक्षित हैं और वो आपको मैच्योरिटी के बाद वापस मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको एक बड़ा फंड भी बन जाएगा 30 साल के अंदर करीब 4 करोड़ रुपये का। तो दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो हमें ज़रूर बताएँ। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।